हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। और शेरावाली माँ सभी के जीवन में खुशियाँ लाए और ढेर सारी खुशियाँ दें, आपको आपकी झोली खुशियों से भर दें। और अभी ना मैं आज ना प्लास्टर कटवा के आई हूँ, आप देख सकते हो। और मैंने ना इस पर गर्म पट्टी बांध रखी है, मूव वगैरह लगा करके जो डॉक्टर ने मुझे बताया है वो मैंने कर रखा है। लेकिन अभी तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है हाथ का, क्योंकि 15 दिन से हाथ, वैसे तो ये कल कट था संडे में, लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक दिन पहले आज ही कटवाते हैं, क्योंकि आज नवरात्रि है तो फिर वैसे भी काम हो जाता है, व्रत वगैरह पूजा। तो मैंने कहा चलो आज एक दिन में तो कोई बात नहीं है, तो मैं कटवा करके आ गई हूँ। और अभी तो हाथ सीधा भी नहीं हो रहा, वैसे मैं कर रही हूँ काम, मैंने इससे किया है, लेकिन डॉक्टर ने भी बोला है कि ना अभी इसको आराम ही देना, ज़्यादा वो मत करना, और मालिश वगैरह और गर्म पानी से सिकाई ये सब करना है इसके, तो वो वाला काम अभी चलेगा। और ना अभी हाथ ऊपर को भी नहीं जाता है, तो पर चलो खुल गया है तो काम वगैरह तो हो जाएगा ये। और आज मैंने ये वाला सूट पहना है, आप देख सकते हो ये वाला सूट पहना है मैंने, ये देखिए। और आप बताना आपको कैसा लग रहा है मेरा सूट, ये वाला है, ये देखिए। और ये वाला सूट मुझे गांव से ही मिला था। ये वाला सूट ना मेरी छोटी वाली भाभी जी ने उस पर अगुई पे जो पूजा होती है उस पर जो रखते हैं कपड़े वगैरह, वो उन्होंने उस पर रखा था। ये अच्छा लग रहा है, ऐसा कलर, ऐसे कलर का सूट मुझ पर दूसरा है भी नहीं। मैंने कहा चलो अच्छा लग रहा है सिलवा लेते हैं, तो मैंने सिलवा लिया। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। तो मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत। उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर न्यू है, और कमेंट करना ना भूलें। तो इससे आगे का वीडियो जो है वो मैंने पहले ही क्लिप बना ली थी, फिर मैंने इसमें ऐड कर दी है, बाल वगैरह कंघे किए थे तब भी, तो मैंने बना ली थी। तो चलिए, और दर्द का दर्द तो इसमें है, अभी दुखन भी है ना, आराम आराम से ही ठीक होगा। ऐसे तो होगा नहीं कि एकदम से मतलब खुला और एकदम से ठीक हो गया, ऐसा तो है नहीं। पहले जैसा एकदम तो नहीं होगा, कुछ टाइम देना पड़ेगा, कुछ टाइम के बाद हर चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो ये भी हो जाएगा, टाइम लगता है हर चीज़ में। तो चलिए आगे का काम करते हैं, बने रहिए वीडियो में। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ मतलब उपले लेने के लिए, जिससे कि धूप वगैरह पूजा वगैरह होगी, सामग्री चढ़ेगी, लौंग के जोड़े चढ़ेंगे, जैसा कि आज नवरात्रि है तो मैं यहाँ पर लेने आई थी। और यहाँ पर ना मैं वो होली पे जो ब्रोकली जो बनाते हैं वो वाली रखी हुई थी, मैंने कहा चलो जल्दी से हो भी जाएगी और इसको ही मतलब करे लेते हैं इससे आग। तो मैंने यहाँ पर गैस पर आके रख दी है और इसमें आग जला करके मैं इसे अच्छे से कर लूँगी, और फिर इससे पूजा हो जाएगी, लौंग वगैरह चढ़ जाएंगी सामग्री, जैसा कि नवरात्रों में इसकी बिना पूजा नहीं हो पाती है। तो मैं यहाँ पर नहा ली हूँ और मैं यहाँ पर पूजा की तैयारी कर रही हूँ।
तो मैंने बाल वगैरह कंघी किए और थोड़ा सा मेकअप किया और फिर अपने बालों में मैंने सोचा क्लेचर भी लगा लूँ, है ना। और काफ़ी दिनों के बाद मैंने सर वगैरह धोया है, जैसा कि आपको पता था प्लास्टर लगा हुआ था मेरे हाथ पर, और अब मैं यहाँ पर ना इस पे मूव वगैरह लगा लिया है मैंने इस बीच, और मैं यहाँ पर इसमें पट्टी कर रही हूँ क्योंकि ना इसके ना बाहर की हवा, जैसे कि हवा है ये भी अब सहन नहीं हो रही है मेरे हाथ को। मतलब ऐसा लगता है जैसे पता नहीं इसमें क्या, मतलब चोट सी लग रही है, मतलब कोई इसमें कुछ मार रहा है। अगर हवा भी लगती है ना, पंखे की हवा, कुछ भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। और आज ना मैं हाथ मेरा जैसे प्लास्टर खुला है उसकी वजह से ना मैं आज बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा था किसी चीज़ ने मुझे बांध के रखा है, ऐसा लगा था। आज मैं अपने आप को बहुत आज़ाद महसूस कर रही हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, खुला खुला सा कर रही हूँ। होता है ना काफ़ी दिनों से ना आपके हाथ ऐसे बंधा हुआ हो, हाथ हो पैर हो कुछ भी हो, तो आप ना बंध से जाते हो बहुत ज़्यादा। तो आज ना बहुत अच्छा फील कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि इसमें चोट अब भी है, दुखन अब भी है, लेकिन मुझे फिर भी अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो वो हट गया। और उसमें ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, खुजली भी होती थी, है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी मुझे। तो बस उस दिन का इंतज़ार था कि किस दिन वो दिन आएगा जिस दिन मैं इससे आज़ाद होंगी। तो वो वाला दिन आ ही गया और मैंने उसको हटवा दिया। वैसे मुझे ज़्यादा आराम नहीं मिल पाया है, डॉक्टर भी बोल रहे थे और वो अब भी बोल रहे थे कि आराम करना ज़रूर करना, वरना आपको ना आगे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब देखते हैं कितना आराम मिलता है। तो यहाँ पर मैं किचन में कर रही थी, अनुष्का के पापा जी वो खाना बना रही थी। अनुष्का तो स्कूल चली गई है तो उनके लिए खाना बना रही थी। तो मैंने यहाँ पर आलू उबाले हुए थे, तो मैंने कुछ आलू का तो मुझे मतलब कद्दूकस किए हैं जैसे कि आलू, उनका कुछ का तो मैं हलवा बना लूँगी क्योंकि मुझे हलवा पसंद है आलू का। और अनुष्का तो बिल्कुल भी नहीं खाती है, अनुष्का के पापा जी भी खा लेते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। और मैंने ना ये वाला डब्बा निकाल लिया था क्योंकि उसमें आटे के थोड़े बहुत मतलब वो चले जाते हैं ना, जैसे कि हम उसमें रोटी वगैरह से घी आते हैं, उस वजह से। तो मैं इसको ले आई हूँ और मैंने यहाँ पर घी डाल लिया है कढ़ाई में, और अब इसमें अच्छे से आलू को मतलब इनको तल लूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें चीनी वगैरह जो भी मुझे डालना है वो डाल लूँगी। और मेरा घी ना कितने अच्छे से गर्म हो गया था आप देख सकते हो, अच्छे से मैंने फिर गैस को स्लो कर लिया। मैंने कहा ज़्यादा भी गर्म ठीक नहीं है, फिर जल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल करके अच्छे से इनको मतलब चला रही हूँ जिससे कि ना लगे। और मैं इधर साथ के साथ अनुष्का के पापा जी के लिए आलू के पराठे बना रही हूँ, तो उनमें सारे मसाले डाल रही हूँ जैसे कि नमक मिर्च और गरम मसाला। हरी मिर्च मेरे पास नहीं थी तो मैंने, ना ही हरा धनिया था, तो मैंने गरम मसाला डाल लिया है जो कि मैं कम यूज करती हूँ। गरम मसाला ज़्यादा मैं यूज नहीं करती हूँ, वैसे सूखा धनिया ज़्यादा यूज करती हूँ। तो मैंने ना इन आलुओं को अच्छे से मिक्स कर लिया है, कर रही हूँ। और ना बस दो ही पराठे बनाने हैं, ज़्यादा नहीं। और इधर मैंने आटा भी लगा लिया है।
आटा भी लग गया है और मैंने मतलब भरने के लिए पिट्ठी बना ली है, और इधर मेरा हलवा बन रहा था, तवा रख लिया है मैंने। मैंने कहा साथ की साथ ना, और देखो नीचे ना लगने लगा है। अब मैंने इसमें चीनी भी डाल दी है, मैंने कहा चलो इसमें चीनी डाल देते हैं क्योंकि ये हो गया है। और उसके बाद फिर मैंने कहा इसको चला दूँ अच्छे से, कभी कहीं जाए कहीं ना जाए, इसलिए क्योंकि पानी वगैरह इसमें नहीं डालते हैं। और इधर मैंने ये थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, मैंने कहा चलो इसमें इनको भी डाल देती हूँ। और अब इसमें ये गोले का बुरादा था जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ, और मुझे अच्छा लगा था, मैंने एक दिन पहले भी डाला था तो मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने अब भी डाल दिया है। ये देखिए अब इनको आपस में मिक्स कर दूँगी। और मैंने ना थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाया था हलवा, क्योंकि अनुष्का के पापा जी को भी दे दूँगी, अभी वो हैं, मैंने कहा वो भी खा लेंगे, उनको पसंद है, तो चलो मैंने कहा वो भी खा लेंगे। तो यहाँ पर हलवा बनकर तैयार हो गया है, और मैंने साथ में चाय भी बना ली है क्योंकि मेरा मन नहीं था दही वगैरह कुछ भी खाने का, तो मैंने कहा चाय और हलवा खा लेते हैं, तो मैं यहाँ पर ले आई हूँ बना करके। और देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब खाने में पता पड़ेगा कि कैसा बना है। तो मैं यहाँ पर ले आई हूँ चाय और हलवा, तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। मैं आप सबको खिला रही थी कि आइए आप भी हलवा खाइए और फिर बताइए कैसा बना है। तो मैंने कहा चलो गरम गरम हलवा भी खा लेते हैं और फिर उसके बाद ही आराम करेंगे। काम सारा ख़त्म हो गया है, काम अब कोई भी नहीं है, तो मैंने कहा चलो खाने के बाद ही लेटेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर आगे का काम करेंगे। अब फिलहाल कोई काम नहीं है, अब तो अनुष्का आएगी तब स्कूल से, तो उसके लिए खाना वगैरह बनेगा। खाना क्या, वो भी व्रत है, जो वो खाएगी वो बन जाएगा। और चाय ना बहुत ज़्यादा गर्म थी। इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।